हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में अलग अलग तरह के पराठे खाने का कुछ मजा ही अलग है। और बाजार में अब तो मेथी भी आ गई है, तो क्यों ना आज हम मेथी के पराठे बनाएं। ये मेथी के पराठे जो मैंने बनाए हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और हाँ, इसके साथ मैं यहाँ पर जल्दी पराठे बनाने की एक ट्रिक भी लेकर के आई हूँ, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक बड़ी कटोरी मेथी ली है और इसे अच्छी तरीके से धो के बारीक कट कर लिया है। अब हमें आटा लेना है, तो मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं 2 कटोरी आटा डाल रही हूँ। ये वही कटोरी है जिससे कि मैंने 1 कटोरी मेथी ली थी। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है। इसके बाद में हमें डालना है 2 चम्मच बेसन, और फिर इसके बाद में हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह पर हरी मिर्च भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। इसके बाद में मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और उसके बाद में मैंने डाला है थोड़ा सा तिल। तिल डालने के बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कटी हुई मेथी, और इसके बाद में हमें डालना है थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसके बाद में हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से अभी आटे में मिक्स हो जाने चाहिए। जब ये सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा तेल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब तेल डालने के बाद में मैंने इसे भी अच्छी तरीके से अभी मिक्स कर लिया है, और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में आपको डालना है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी, और एक आटा आपको अभी लगा लेना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आटा हमें सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा हमें इसे कड़क ही रखना है, थोड़ा हार्ड ही लगाना है, एकदम सॉफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में जो आटा है ना, वो अपने आप ही ना सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे डो बन के रेडी हो चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढककर रख देंगे। अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ पराठे के साथ खाने के लिए एकदम तीखी और मज़ेदार सी एक चटनी। इसके लिए मैंने क्या किया है, टमाटर जो है उसको मैंने गैस पे रोस्ट कर लिया है, और हरी मिर्च को भी रोस्ट कर लिया है, और 2-4 लहसुन की कलियाँ भी ली थी, इसे भी मैंने अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इनके जो छिलके हैं वो निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे छिलके निकाल के सब कुछ अभी रेडी कर लिया है। इसके बाद में हमें मिक्सर जार लेना है, और उसमें अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो डाल देना है। स्वादानुसार इसमें नमक डालना है, और इसे अच्छी तरीके से अब हमें ग्राइंड कर लेना है, और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, हमारी यहाँ पे मस्त तीखी वाली एकदम बढ़िया सी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। हमारा जो आटा है वो भी अच्छी तरीके से अब सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हाथ में तेल लेना है, और आटे में अच्छी तरीके से इसे अभी लगा लेना है। तो हमारा तो आटा वैसे भी रेडी हो चुका है, पर हमने क्या किया था कि थोड़ा सा आटा हमारा जब हमने गूंथा था तब वो थोड़ा हार्ड था। अभी तेल लगाने से क्या हो जाएगा, हमारा जो आटा है वो पूरी तरीके से बढ़िया चिकना हो जाएगा, और हमें पराठा बेलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो हमें अभी आटे का थोड़ा सा बड़ा पोर्शन लेना है। मैं यहाँ पर एक ट्रिक लेकर के आई हूँ जिसकी सहायता से आप फटाफट से पराठे बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस आटे का जो मैंने बड़ा सा पोर्शन लिया था उसमें आटा हमें दोनों तरफ अच्छी तरीके से लगा लेना है, और इसकी एक मोटी सी रोटी बना लेना है। अच्छा, परफेक्ट राउंड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप एक ऐसा ही रफली राउंड शेप में इसको बना लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक चाकू लेना है, और चारों तरफ से इसकी जो कॉर्नर है वो कट कर लेना है, और स्क्वायर शेप बना लेना है। तो अब हमारा जो स्क्वायर शेप है वो रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसे 3 पोर्शन में कट कर लेना है। यदि आपकी जो रोटी है वो बड़ी बनी है तो आप इसे 4 पोर्शन में भी कट कर सकते हैं। फिर ऊपर में अच्छे तरीके से तेल लगा करके सिंपली तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है।
तो अब हमारे एक साथ तीन पराठे बनकर के रेडी होने वाले हैं। अब बस आपको दोनों तरफ में अच्छे तरीके से आटा लगा करके स्क्वायर शेप पराठे को दे देना है। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये इसमें बहुत टाइम लग रहा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इस ट्रिक को अपने पराठों में लगाएंगे तो यकीन मानिए आपके पराठे भी फटाफट से बनके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फटाफट से तीन पराठे बना करके रेडी कर लिए हैं, और दूसरी तरफ में मैंने गैस में तवे को रख दिया था गर्म होने के लिए, तो तवा भी हमारा अब गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने पराठे सेकने वाली हूँ। तो एक तरफ से पराठा जो है हमारा थोड़ा सा सिक चुका है, अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ और इस तरफ में मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा तेल। आप तेल, घी, कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो एक तरफ से जब पराठा मेरा अच्छे से सिक गया है, दूसरी तरफ मैंने टर्न कर दिया है। अब पराठे को हमें दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि पराठा जो है हमारा दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सिक चुका है। तो इसी तरीके से हम बाकी के जो हमारे पराठे हैं उसे भी रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पराठे जो हैं अब हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो पराठों का टेक्सचर है वो कितना अच्छा आया हुआ है, और मैं यकीन के साथ में कह रही हूँ कि आप जब इस तरीके से पराठा बनाएंगे, आपके पराठे जल्दी भी बनेंगे और बहुत टेस्टी भी बनेंगे। और आप इन पराठों को इस टमाटर की चटनी के साथ में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।